साल 2024 का सबसे बड़ा सेटबैक टीम इंडिया के फैंस को मिल चुका है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 से व्हाइट वॉश करवा चुकी है सीरीज को। जी हां, पहले बेंगलुरु, फिर पुणे और अब मुंबई, तीनों के तीनों टेस्ट मैचेस इंडिया हार चुकी है। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि टीम इंडिया 3 मैच या उससे ज्यादा मैचों की सीरीज, टेस्ट सीरीज कभी हारी हो। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास कभी ना कभी तो बदलता है, कभी ना कभी तो बनता है। इतिहास बदल गया, भारत में आकर के विदेशी टीमों को, भारत में हराना भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा सपना देखा जाता था, एक सपने जैसा लगता था, लेकिन अब ये सपना हकीकत बन चुका है। न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आई और उन्होंने भारत को घर में घुसकर फाइनली हरा दिया है, फाइनली मार दिया है बैक टू बैक 3 मैचेस। इसके बाद से जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनके हर्ट ब्रेक हो गए हैं, लेकिन टीम इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो इसी लायक है। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो इसके पीछे टीम इंडिया की परफॉर्मेंस वजह है। टीम इंडिया ने जितनी खराब क्रिकेट खेली उतनी ही खराब उनको रिजल्ट मिला। चलिए एक बार मैच के ऊपर नजर डालते हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 235 रन बनाए। मुंबई टेस्ट था ये, मुंबई के पिच पे ये मैच खेला जा रहा था, लाल मिट्टी का पिच था। दूसरी पारी जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई तो भारतीय टीम 263 रन पे सिमट गई। काफी खराब एक तरीके से कहें तो क्रिकेट हमको देखने को मिला। ना विराट कोहली चले, ना रोहित शर्मा चले, टीम इंडिया के नए बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी यूनिट को अपने कंधों पर संभाला और टीम इंडिया को 263 रन के एक रेस्पेक्टिव टोटल तक पहुंचाया। इसके बाद जब तीसरी पारी में न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी आई तो उन्होंने 174 रन बनाए और कहीं ना कहीं एक फाइटिंग टोटल जरूर पहुंचाया। टीम इंडिया के सामने 147 रनों का लक्ष्य था। उम्मीद थी कि जब तीसरे दिन भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आएगी, जब टीम इंडिया खेलने आएगी, तो वे इस लक्ष्य को आसानी से चेस कर लेगी, क्योंकि भारतीय टीम के पास तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, न जाने कितने बड़े बड़े स्टार्स मौजूद हैं। लेकिन भारतीय टीम के जितने भी समर्थक थे, जितने भी फैंस थे, वो एक गलत फहमी का हिस्सा थे। टीम इंडिया 121 रनों के ऊपर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने जब गेंदबाजी की तो मानो ऐसे गेंदबाजी कर रहे हो जैसे वो विश्व क्रिकेट के कोई बहुत बड़े दिग्गज नाम हो। बताएं आपको, एजाज पटेल ने अकेले 6 विकेट लिए हैं, चौथी पारी की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स 3 विकेट, इसके अलावा मैट हेनरी 1 विकेट उन्होंने चटका दिया। कुल मिलाकर के टीम इंडिया के बल्लेबाजों को कभी फ्रंट फुट पर आकर खेलने का मौका ही नहीं दिया गया। इस पूरे टेस्ट मैच में हमेशा ऐसा लगा कि टीम इंडिया बैक फुट पर खेल रही है। बताइए, विराट कोहली को आपने रनआउट होते हुए कब देखा? लेकिन विराट कोहली इतने प्रेशर में खेल रहे हैं कि वो रनआउट हो रहे हैं। इस सीरीज में हमने देखा कि विराट कोहली फुल टॉस पे आउट हो रहे हैं। मतलब इतनी खराब क्रिकेट, इतनी खराब फॉर्म, और अब इसी फॉर्म के साथ टीम इंडिया जाने वाली ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने वाली है। इस समय सोशल मीडिया पर ऐसी भी बात की जा रही है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया का 5-0 से व्हाइट वॉश हो सकता है, क्लीन स्वीप हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो इसमें हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया अपने घर पर खेल रही है, ऐसे हम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को कैसे चैलेंज करेंगे। बाय द वे, आज के लिए हमारे साथ इतना ही। इंडिया के इस डिफीट के ऊपर आपका क्या व्यू है, आपका क्या कहना है, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट केसरी को।